संजय जोशी को आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम की जिम्मेदारी दे सकती है। नरेंद्र मोदी को लेकर चल रहे विवादों के चलते दो दिन पहले ही संजय जोशी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। शुक्रवार को संजय जोशी ने इस्तीफा दिया था और अब यह खबर आ रही है कि आरएसएस उन्हें नई जिम्मेदारी दे सकती है। वनवासी कल्याण आश्रम की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक नागपुर से। सरिता, नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में आरएसएस संजय जोशी को? जी बिल्कुल, और वैसे भी जो फिलहाल पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि इसके बारे में बातचीत भी काफी समय से हो रही है। शायद जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे थे उसी से आरएसएस ने वापस संजय जोशी को अपने पास लाने की शायद तैयारी शुरू कर दी थी, और अभी उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाए इसके ऊपर जब बातचीत हो रही है तो जो सामने सूत्रों से आ रहा है वो ज्यादातर तो वनवासी कल्याण आश्रम की ही उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी ऐसा पता चलता है। खास बात यह है कि शायद इस पर का जो फाइनल कॉल है ये संजय जोशी अपने आसपास के जो लोग हैं जो उनका कोर ग्रुप माना जाता है उनके साथ में चर्चा करके लेंगे, और इसके लिए आज संजय जोशी नागपुर पहुंच गए हैं। सुबह दिल्ली से वो यहाँ आए हैं, उनकी जो पहले से जो मित्रों की संगठन में जिन लोगों से उनका संपर्क था वो सभी लोग पहले से नागपुर में यहाँ पर हाजिर है, और उन सभी लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग फिलहाल चल रही है, और साथ ही में सरसंघ चालक भी नागपुर में है और बाद में उनसे भी संजय जोशी मिलेंगे ऐसी खबर आ रही है। जी बिल्कुल सरिता, आप बने रहिए इस खबर पर। आपको बता दें कि संजय जोशी को नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में है आरएसएस, और आपको बताते हैं हम कि ये वनवासी कल्याण आश्रम दरअसल है क्या, आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता है वनवासी कल्याण आश्रम। आरएसएस का सहयोगी संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, देश के 312 जिलों में ये इस वक्त काम कर रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम जिसकी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है संजय जोशी को, 1200 से ज्यादा प्रचारक काम कर रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम के तहत उसके काम को आगे बढ़ाते हुए, और अब इसी की जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है आरएसएस द्वारा संजय जोशी को। हालांकि इस बाबत बातचीत काफी वक्त से हो रही थी, आरएसएस इस बारे में काफी वक्त से सोच रहा था, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि संजय जोशी अपने कोर ग्रुप से बात करने के बाद इस बारे में कोई फैसला लेंगे। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि नई जिम्मेदारी संजय जोशी को आरएसएस द्वारा दी जा सकती है। आपको बता दें कि संजय जोशी ने शुक्रवार को ही बीजेपी छोड़ी थी, इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताइए कि दरअसल ये विवाद क्या था जो संजय जोशी को लेकर सामने आया, और उसके बाद अब जिस तरह की स्थिति बनी है थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच का जो विवाद था इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जबकि संजय जोशी को गुजरात आए हुए 5 साल हो चुके थे। वह उस वक्त संगठन में मंत्री थे और गुजरात के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो उस समय बीजेपी की गुजरात इकाई के महामंत्री थे। जब केशुभाई पटेल की सरकार आई 1995 में, उसके बाद से इन दोनों के बीच एक तरह से कह सकते हैं मनमुटाव की शुरुआत हो गई थी नीतिगत मुद्दों पर, और उसके बाद से शंकर सिंह वाघेला ने जो मशहूर खजुराहो विद्रोह किया बीजेपी के अंदर, उसके बाद से जो समझौते की शर्त के तहत नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजा गया और संजय जोशी को बीजेपी की गुजरात इकाई में संगठन महामंत्री की कुर्सी दी गई, उसके बाद से दोनों का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता गया। 1998 में जब केशुभाई पटेल की सरकार दोबारा आई, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी गुजरात आना चाह रहे थे लेकिन संजय जोशी और केशुभाई पटेल ने मिलकर उन्हें रोक दिया, और उसके बाद से 2001 में जब खुद मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात वापस लाया गया, केशुभाई पटेल को हटाया गया, तो फिर संजय जोशी को दिल्ली भेजा गया और कुछ दिनों बाद वो संगठन के महामंत्री बने। उसके बाद भी दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया और आखिरकार जिसका परिणाम निकला वो ये कि संजय जोशी ने पहले तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और 4 दिन पहले बीजेपी से पूरी तरीके से। तो ये रहा है इन दोनों के बीच का ये विवाद, और इन विवाद की पृष्ठभूमि में जो मौजूदा एक सूचना जो है कि अब संजय जोशी को वनवासी कल्याण आश्रम का काम दिया जा सकता है संघ में, तो वह जो काम जी ब्रजेश, ऐसे में क्या कहा जाए, क्या संजय जोशी को वनवास देने की तैयारी हो रही है, ये क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, अगर संघ की दृष्टि से अगर कहें कि वनवासी कल्याण आश्रम का अगर उन्हें काम दिया गया है तो वह जो है संघ की जो तमाम गतिविधियां उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वनवासी कल्याण आश्रम के तहत पूरे देश के आदिवासी बहुल
विस्तारों में संघ की तरफ से एकल स्कूल चलाए जाते हैं, एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिताएं चलाई जाती हैं और साथ में जो एक वनवासी कल्याण आश्रम जगह जगह बनाए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य संघ की दृष्टि से जो रहा है, एक तो ये रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का जो प्रभाव रहा है आदिवासी इलाकों में, एक तरफ उस प्रभाव को कम करना और दूसरी तरफ आदिवासी विस्तारों में आरएसएस की पैठ को बिठाना। इसी के लिहाज से भी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट पर संघ ने काफी अधिक फोकस किया हुआ है और वहां पर वनवासी कल्याण आश्रम के तहत ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो अगर संघ ने संजय जोशी को वनवासी कल्याण आश्रम में भेजने का मन बनाया है तो ये माना जा सकता है कि संजय जोशी की जो एक तरह से कह सकते हैं जो कुछ जो क्षमताएं मानी जाती हैं, जो अच्छे संगठनकर्ता की, इंस्टीट्यूशन बिल्डर की, तो शायद हो सकता है संघ को उसका उस तौर पर इस्तेमाल करने का मन हो और इस तरीके से वो वनवासी कल्याण आश्रम में जाना वनवास नहीं बल्कि संघ की दृष्टि से उनको कुछ और महत्वपूर्ण काम सौंपा जाना कहा जा सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से संघ काम करता है अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो वनवासी कल्याण आश्रम की जिम्मेदारी एक तरह से संजय जोशी के लिए अच्छी साबित हो सकती है। उनकी संगठनात्मक शक्ति को, उनकी संगठनात्मक जो जिस तरह की कार्यशैली है उसको देखते हुए शायद ये जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। और एक बार हम आपको ये बताते हैं कि ये वनवासी कल्याण आश्रम दरअसल है क्या, आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता है वनवासी कल्याण आश्रम। आरएसएस का एक अहम सहयोगी संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। देश के 312 जिलों में इस वक्त काम चल रहा है वनवासी कल्याण आश्रम के तहत और 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम के तहत।